तो देखिए, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक बेस कौन से होते हैं और उनको कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट देते हैं कि उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है। तो सबसे पहले आप जल्दी से लिखिए कि ऑर्गेनिक बेस है क्या। ऑर्गेनिक बेस में खास बात आपको क्या दिखाई देगी कि ऑर्गेनिक बेस जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होंगे। तो ऑर्गेनिक बेस, अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक बेस जनरली लुइस बेस है विच हैविंग लोन पेयर डोनर एटम, लोन पेयर डोनर एटम, जिसके पास एक लोन पेयर है जो देना चाहता है। और लोन पेयर डोनर टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होती है? एंड वी नो दैट लोन पेयर डोनर टेंडेंसी इज वेरी हाई फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काफी 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 क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो डोनर एटम हमारे लिए लोन पेयर डोनर एटम है और वो नाइट्रोजन होगा। समझ में आ रही है? तो आपके लिए मैं फिर बोल देता हूं कि अगर आपके दिमाग में NH3, H2O और HF है, फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपके पास ये होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे कम। तो यही चीजें हमें लिखनी है। बेसिक स्ट्रेंथ हमें क्या लिखना है? फर्स्ट फैक्टर इफेक्ट हमारा यही रहेगा, और फर्स्ट फैक्टर रहेगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे लिए ये रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ लिख लीजिए, रीजन बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। समझ में आ रहा है? या डायरेक्टली अगर बोलना चाहते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ डोनर एटम लिखना पड़ेगा, लेकिन हर चीज अपन को आदत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे समझाने की, इस कारण नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर दे देता है। या सुनो, पहला फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्लस आई, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव। अब आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर कैसे आएगी, प्रोपोर्शनल प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। वो सारे फैक्टर जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से देगा, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से देगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए की पॉइंट है। ऑल दोज फैक्टर विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन एटम, सो नाइट्रोजन इजीली डोनेट लोन पेयर एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो ये बात का ध्यान रखेंगे, वो सारे फैक्टर जिससे हमारे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो वो आसानी से दे देगा। तो यही कारण है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पास अमोनिया है और मेरे पास क्या है, अमोनिया में एक हाइड्रोजन मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? आर से, यानी अल्काइल ग्रुप से। तो क्या यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बताइए जल्दी से। क्यों? प्लस आई इफेक्ट। किस कारण? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। लेकिन अगर यही मैंने NH3 एक एटम फ्लोरीन से कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, और इसकी देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम।
बोलो यस और नो। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, क्या होगा ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा? ये इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट डालेगा और ये इसके ऊपर। तो यहां जो लोन पेयर है ना, ये दे पाएगा ना ये दे पाएगा, समझ में आ रहा है? मतलब हो ये रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है और मैं मम्मी के पास जाता हूँ, वो कहती है पापा से ले लेना, पापा कहते हैं मम्मी से ले लेना, मेरे को किसी से नहीं मिलने वाले। वही हाल यहाँ हो रहा है कि मम्मी पापा दोनों हैं और नहीं दे रहे, और एक जगह है जहाँ सिर्फ पापा ही देते हैं तो बस आसानी से मिल जाएंगे, या मम्मी देती है, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा? दिस, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फैक्टर दिख रहा है? माइनस आई ऑफ नाइट्रोजन। अब ये मत देखना कि डोनर एटम एक से ज्यादा है, आपको तो एक ही डोनर एटम चाहिए, बस वो आसानी से दे दे। पक्का? तो यहां पर भी हम किससे बता रहे हैं? इफेक्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट, तो हमारे कितने फैक्टर हो गए? बेसिक स्ट्रेंथ हमारे लिए, दूसरा फैक्टर हो गया, एक इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, और ये, तो दो फैक्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है? कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के साथ एस करेक्टर चेंज होते हैं ना, और एस करेक्टर चेंज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो आपके यहां पर बेसिक करेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमारे लिए बेसिक स्ट्रेंथ, हम ये बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल 1/% एस करेक्टर। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी? कम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये नाइट्रोजन है, हमारे पास ये नाइट्रोजन है, कौन ज्यादा बेसिक होगी? ये। क्यों? क्योंकि इस पे अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। लिख लीजिए इन सबको। नेक्स्ट, बेसिक करेक्टर समझ में आ गया? किससे? आप परसेंटेज एस करेक्टर से बहुत आसानी से बता सकते हैं। एस करेक्टर बढ़ने के साथ ही आपके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, मना कर देगा, कम देगा, या फिर ठीक है, या कोई डाउट नहीं है यहां पर। नेक्स्ट, यानी आपके पास ये भी हो गया, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थर्ड नंबर का हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में यहां हमारे पास नोट लगेगा, इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड, देन व्हाट? देन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो यहां सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपके पास ये, कौन ज्यादा बेसिक होगा आप ही बताइए? ये, क्योंकि यहां जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है,
अच्छे समझ में आ गया? कुछ और एग्जांपल आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ और फैक्टर आपके कर रहे हैं। पहले एक और मैं लेने जा रहा हूं आपके साथ, बताइए क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई जब डीलोकलाइज होता है तो लोन पेयर नहीं होता, नहीं होता ना। तो यहां ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, हाँ, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस। समझ में आ रही है बात? और अगर आप यहां पर एक और फैक्टर यहां लिख ले इसी के अंदर, ये सिंपल, तो ये और ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां एस करेक्टर है, यहां तो डिलोकलाइजेशन भी नहीं है, और एस करेक्टर भी क्या है यहां पर, कम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन की, तो आसानी से देगा। ये उससे भी ज्यादा होगा, पक्का? अच्छे समझ में आ रहा है ये फैक्टर? इसी के अंदर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रेजोनेंस है या नहीं है। मैं आपको फिर वापस आ रहा हूं, अगर आप इनमें कंपेयर करें, एग्जाम्पल कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, ए बी सी, डी ई एफ तो आपको क्या लगता है किस तरह से हम इसको डीलोकलाइज देखेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा बेसिक अगर कोई होगा इसमें तो वो होगा ए, सबसे ज्यादा। इसमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? माइनस आई। इसमें कौन सा देखने को मिलेगा? रेजोनेंस में है, प्लस आर, प्लस आर बड़ा वाला, और प्लस यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पर प्लस आर सबसे बड़ा वाला, तो R3, R2, R1, क्योंकि ये पूरा लोन पेयर डिलोकलाइज है। एक और ले लेते हैं हम, जी यहां तो एरोमेटिसिटी आ रही है उसी की वजह से, तो अब आप बताइए ए बी सी डी ई एफ जी में किस तरह से हम आंसर देखेंगे? जो भी फैक्ट अभी हमने पढ़े हैं उन सब से इनका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। देखिए फास्ट, आप खुद बताइए, यहां पर प्लस आई माइनस आई 10, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए, फिर बी, बाकी सब में रेजोनेंस है, इसमें सबसे कम है सी, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ डी, फिर यहां रेजोनेंस नहीं है, तो यहां रेजोनेंस नहीं है तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो कहां जाके बैठेगा? ये रेजोनेंस नहीं है लेकिन एस करेक्टर ज्यादा है, तो ये आएगा बी के बाद, यानी ई यहां आएगा ई, फिर आपके पास सी, फिर डी, और फिर उसके बाद आपके पास कहां आएगा? एफ,
और फिर सबसे ज्यादा आएगा जी, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है रेजोनेंस के साथ उसी लोन पेयर की वजह से। ठीक है, आप कहेंगे रेजोनेंस एरोमेटिसिटी तो यहाँ पहले भी थी, इसकी वजह से नहीं है, बस ये है उस एरोमेटिसिटी में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, पक्का कोई डाउट नहीं है? यहां अगर लोन पेयर नहीं होता, ये नहीं होता, तब भी ये कंपाउंड एरोमेटिक होता, लेकिन अगर यहाँ लोन पेयर नहीं होता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है क्या? नहीं। तो आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो सबसे ज्यादा ए बी ई सी डी एफ जी, अच्छे समझ में आ गया? अब आगे अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसके बाद? एक और फैक्टर रहेगा रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस में ही एक और फैक्टर हम ले लेते हैं। कभी कभी रेजोनेंस सपोर्ट भी करता है हमारे को, ऐसा नहीं है। ये देखिए आप, ये मैंने लिया नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन NH2 CH2 C, सिंपल है, डबल बॉन्ड CH। मैं यहां से पाई बॉन्ड हटा रहा हूं, बहुत ज्यादा हो गए। CH3 CH3, सही है। फिर मैंने एक और लिया CH3 C डबल बॉन्ड NH2 NH2। फिर एक और ले लिया मैंने अभी हमारे कितने बैलेंस है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दीजिए। तो यहाँ हमारे लिए क्लियर है, पक्का बोलो यस और नो? तो यहाँ हमने एक और ले लिया NH2 सी NH2 डबल बॉन्ड NH2, ठीक पक्का? कहीं पे भी हाँ NH आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ NH आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ हमें बेसिक स्ट्रेंथ में कमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर? क्या यहाँ रेजोनेंस है? नहीं है। क्या यहाँ रेजोनेंस है? हाँ। तो ये रेजोनेंस इस तरह से जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? यस और नो? और यहाँ कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? यहाँ तो दो दो जगह से रेजोनेंस आ सकता है, मतलब हम बात कर सकते हैं कॉन्जुगेट बेस नहीं है इसका, वही क्या कहते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस जगह NH2NH-, बोलो यस और नो? और यहां तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? इसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस है। ये भी आ सकता है, अभी तो ये आया यहां पर, ये भी आ सकता है, तो डबल रेजोनेंस दिखेगा आपको इस जगह, डबल सपोर्टिंग रेजोनेंस बोल सकते हो। इससे नेगेटिव आते ही बेसिक स्ट्रेंथ हमें इन सब की नहीं देखनी है, उसकी नाइट्रोजन की देखनी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी यहां पर? यहां पर इसकी होगी। तो यहां रेजोनेंस सपोर्ट कर रहा है और वहां क्या कर रहा था? अपोज। तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा ए बी सी में? आपका आंसर क्या जाएगा? ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो आसानी से देगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर है CH3CNH2। एक और एग्जाम्पल, अगर यहाँ डबल बॉन्ड ओ और एक तरफ मैं CH3CNH2 डबल बॉन्ड NH लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ओ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, कौन ज़्यादा बेसिक है? एन माइनस। ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप सारे करिए।
एक और इफेक्ट है वो है हमारे लिए इन्वर्जन ऑफ एमीन। ध्यान से देखिएगा, इन्वर्जन ऑफ एमीन ये भी हमारे पास बेसिक इफेक्ट को डिफाइन करेगा, इन्वर्जन ऑफ एमीन। बात को समझिएगा, इन्वर्जन ऑफ एमीन को कैसे हम देखेंगे, करना शुरू करें तो देखिए ध्यान से, अगर हमें यहां पर कहा जाए, बहुत इजी वे में बात मैं कर रहा हूं, इन्वर्जन का मतलब है क्या, पहले तो ये लिखिए, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप विद लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एमीन कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ एमीन। इन्वर्जन ऑफ एमीन, देखिए इसी की वजह से हमारे पास मोमेंट होता है लोन पेयर का और वो बिजी हो जाता है। बात समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिट्रियम है आपके पास, सपोज अभी ये यहां पर है, तो ये हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले तो थोड़ी सी मैकेनिज्म समझिए इसकी, कि मैकेनिज्म कैसे होगी, नाइट्रोजन यहां एक और लोन पेयर आ गया, ये एक लोन पेयर है और ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिट्रियम, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड टूट चुका है तो क्या हो चुका है, एच प्लस, और एच प्लस हुआ है तो नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। नाइट्रोजन की दो वैलेंसी दो लोन पेयर, यानी वो ऑक्सीजन बन चुका है। अब क्या होगा, ये एच प्लस दूसरे वाले लोन पेयर पे अटैक करेगा, इस वाले पे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये नाइट्रोजन अब ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन ट्रिट्रियम और ये ड्यूटेरियम और लोन पेयर इस तरफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस इन्वर्जन से ये पूरी तरह से मूवमेंट करता रहेगा। तो अब आप कह नहीं सकते कि कौन सी जगह हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। तो एक तरह से इस इन्वर्जन से क्या हुआ, क्या हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज हुआ है इनडायरेक्टली, हाँ पक्का, तो डिलोकलाइज हो गया, और डिलोकलाइज होने की वजह से यहां आपके पास क्या हो रहा है, दो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं इस जगह, पहला कि एक तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, किसकी, कंपाउंड की। तो यहां पर अगर आपके पास लोन पेयर है और यहां मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, कुछ भी मान लीजिए, एच आर 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 वन आर टू, और एक है आपके पास, तो ये वाला मूवमेंट इतना फास्ट होगा, एक है आपके पास सिंपल, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या यहां पर मूवमेंट होगा ज्यादा, हाँ क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप है, यहां इन्वर्जन क्या होगा, कम होगा। तो जहां इन्वर्जन ज्यादा होगा वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। इसको आप इन्वर्जन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपको क्या लिखना है, पहले इसकी जगह एक लाइन और ऐड करेंगे यहां पर, कि इन दोनों में एक तरह से क्या होता है, ड्यू टू इन्वर्जन, एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो फैक्टर हो रहे हैं इफेक्ट, ऑफ इन्वर्जन। पहला जो इफेक्ट दिख रहा है मेरे को वो है हमारे लिए आर वन आर टू और एच मूवमेंट कर रहा है आर वन आर टू एच, कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया है,
आगे भी मैं बताऊंगा कि अगर चारों वैलेंसी अलग अलग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी। तो यहां क्या आप कायरलिटी दिखेगी क्या? नहीं, मूवमेंट इतना फास्ट है कि आप शो ही नहीं कर सकते कौन सा कंपाउंड है। तो फर्स्ट जो इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू इन्वर्जन, ड्यू टू इन्वर्जन कायरलिटी ब्रेक, लेकिन ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। दूसरा जो फैक्टर आ रहा है लोन पेयर डीलोकलाइज, सो बेसिक स्ट्रेंथ स्लाइटली डिक्रीजेस। बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा, डिक्रीजेस हो रहा है। और उसी तरह वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि थर्ड पॉइंट भी हमारे पास इनसाइक्लिक एमीन, यानी अगर एमीन एनएच ग्रुप साइकिल में है इन्वर्जन नॉट पॉसिबल, या लेस पॉसिबल हम बोल सकते, सो साइक्लिक एमीन आर मोर बेसिक। इन नेचर तो ये तीनों पॉइंट्स आप इस इन्वर्जन की वजह से लिख सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ एमीन, और आसानी से बोल सकते हैं कि भाई एन एच आर वन आर टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये है इन्वर्जन ऑफ एमीन का, इन साइक्लिक एमीन इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। यहां पर इन्वर्जन पॉसिबल कम होगा या लेस होगा, नॉट पॉसिबल और लेस पॉसिबल। सो साइक्लिक यहां इन्वर्जन नहीं होगा, सो साइक्लिक एमीन आर मोर बेसिक। आज ये लोन पेयर इसके साथ टूटेगा, ये टूट के वहां जाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल एल्काइल ग्रुप इजीली मूव कर जाता है, तो ये भी एक स्लाइटली बेसिक हम बोल सकते हैं कि हाँ ये भी, इसका भी एक फर्क पड़ रहा है इन्वर्जन का। एक और है हमारे लिए और वो है, ये कौन से नंबर का था हमारे लिए, फोर्थ। अब हमारे लिए फिफ्थ हो गया, इफेक्ट ऑफ मीडियम यानी सॉल्वेंट। कहां हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मीडियम एसिडिक है, इफ मीडियम इज एसिडिक, एसिडिक बोलना बेवकूफी है, सॉरी, इफ मीडियम इज वाटर, वाटर की बात कर रहा हूं, एक होता है गैस और एक होता है वाटर, तो हाइड्रेशन एनर्जी का भी रोल होता है, देन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व इन्वॉल्व एंड हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व। और यहां हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी विद हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ H2। ऑफ H2 मोर हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन मोर हाइड्रेशन एनर्जी।
एंड मोर बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास हो चुका है। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट होगा तो भी बेसिक स्ट्रेंथ हो ज्यादा होगी। तो एक एक फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और एक फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, फिर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हमारा एग्जाम्पल बन रहा है। NH3 कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। अगर गैस फेज में करोगे तो आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे, पहले वो देखते हैं। NH3 CH3NH2 CH3 2NH और एक है CH3 3N। तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी है ही नहीं, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो हुआ एक छोटा सा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, सेकंड, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में हमारे लिए क्या होगा, यही चीज एक्वस मीडियम में देखना है हमें, CH3NH2 CH3 2NH CH3 3NH CH3N। कहीं रेजोनेंस नहीं है, कोई और इफेक्ट नहीं है, यस और नो है क्या, नहीं है। तो यहां पर प्लस इफेक्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि एज बॉन्डिंग या कुछ भी मान लीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी क्योंकि मीडियम क्या है, एक्वास है, पानी के साथ ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो वो किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर पाओगे डायरेक्टली, नहीं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो अगर ये ए बी सी डी है तो आपका सही आंसर क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा बेसिक होगा यहां पर सी, देन बी, देन डी और देन ए। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैं आपको लिखा रहा हूं। गैसेस स्टेट में तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत कहां आ रही है, एक्वस मीडियम में। और अगर उसने मीडियम नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे आप, एक्वस ही लोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम हमेशा एक्वस मीडियम में ही देखते हैं। तो यहां हमेशा ध्यान रखना, अगर इन केस इफ मीडियम इज नॉट डिफाइंड देन वी ऑलवेज सेलेक्ट एक्वस मीडियम। नेक्स्ट, इस पॉइंट को लिखना है मुझे। तो ये हमारे पास हो गया एक ट्रिक फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। कैसे ये ट्रिक वर्क करती है देखिए ध्यान से, पहले लिखिए ट्रिक ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, हटा दूं मैं ये, तो ये ट्रिक कैसे वर्क कर रही है ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास है एमीन, ध्यान से, और हम एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्वस मीडियम।
ये हमारी ट्रिक हो गई बेसिक। कैसे हमारे पास आएगा, हमारे पास है NH3 R NH 2 R 2 NH R 3 N, सही है। ये हमारे पास चार तरह की अमीन है, नॉर्मल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। तो यहां पर दो बातें हो सकती है जो आपके सिलेबस में है। पहला, अगर आर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, और दूसरी बात हो सकती है अगर आपके पास आर C2H5 ग्रुप है। दो बातें होगी आपके पास, या तो मिथाइल ग्रुप होगा या C2H5 होगा, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप इसको कैसे देखेंगे, अगर मिथाइल है तो सबसे पहले आप ये तो याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए आप, 20 20 क्या याद रखेंगे, 20 20 20 नंबर ही पक्का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मिथाइल ग्रुप बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो आप क्या याद रखेंगे, 13 13 छोटा नंबर पहले। इथाइल उसके कंपेयर में बड़ा है तो 31, बचे यही थे। तो ये हमारे पास हो गया 13 और ये हो गया हमारे पास 31। तो इससे समझ में आया, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा होगी, फिर 3 डिग्री आएगी, फिर अमोनिया आएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा, इस जगह सबसे ज्यादा 2 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास CH3 2NH सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर CH3 NH2 होगा, फिर CH3 3N होगा और सबसे कम अमोनिया होगा, पक्का। जबकि साइक्लिक एमीन ज्यादा बेसिक होते हैं, ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूं, वह अलग पॉइंट हो चुका है। यहां देखिए 2 डिग्री यानी C2H5 2NH ज्यादा होगा, फिर C2H5 3N आएगा, फिर उसके बाद C2H5 NH2 आएगा और सबसे कम अमोनिया होगा। तो सभी केसेस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा और 0 डिग्री सबसे कम। ये दो ही हमारे एनसीईआरटी में है और यही हमारे सिलेबस में भी है, तो इसके अलावा देखना नहीं हमें। तो आपको समझ में आ गया, यहां पर लिखें इसको। हमने पांच अलग अलग तरह के फैक्टर पढ़े, 6 इफेक्ट ऑफ SIR एंड SIP। एक हमारे लिए लग रहा है SIR और एक लग रहा है हमारे पास SIP। ये किस तरह से वर्क करेंगे पहले आप समझिए इसको। हेडिंग डाल लीजिए यहां पर SIR, यानी स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस, और SIP का मतलब है हमारे लिए स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ प्रोटोनेशंस। देखिए ये कहां लगेगा और कैसे लगेगा पहले समझ लीजिएगा। ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग, समझना। यहां नाइट्रोजन है, यहां पर आपके पास कोई बहुत बड़ा ग्रुप है CH3 या C2H5, CH3 है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, रिपल्शन की वजह से SIR, SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आपका ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक पार्ट
ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे चले जाएंगे. नाइट्रोजन लोन पेयर CH3 CH3 चला जाएगा और बिल्कुल ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है. और इनका प्लस आई इफेक्ट भी मिलेगा इसको. पक्का? तो यहां पर अब लोन पेयर दो पॉइंट है. CH3 गिव्स प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. सो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. तो SIR इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ड्यू टू SIR इफेक्ट द कंपाउंड बिकम नॉन प्लेनर. ये किस तरह का हो जाएगा, नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाएगा. SIR का मतलब है स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन दिस बल्की ग्रुप एंड दिस बल्की ग्रुप. समझ में आ रहा है? तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, आप ही बताइए. CH3 2 या फिर ये ज्यादा बेसिक होगा. आप लिख सकते हैं ड्यू टू SIR. ड्यू टू SIR. अब बात आती है SIP इफेक्ट. ये चीज क्लियर है? तो SIP इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, इसके अंदर. ये आपके पास बेंजीन रिंग है और मैंने यहां पर NH2 जोड़ दिया. क्या जोड़ दिया? NH2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन साथ में मैंने CH3 भी जोड़ दिया. तो क्या ये इतना बल्की है जितना वो था? नहीं है. तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा. आपको मैंने पहले भी बताया था SIR इफेक्ट फिनोल में भी नहीं होता, बेंजोइक एसिड में होता है. समझ में आ रहा है? एमीन में नहीं होगा. ठीक है, NH2 ग्रुप इज नॉट सो बल्की दैट शो SIR इफेक्ट. तो पहले तो SIR इफेक्ट नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन हो क्या रहा है कि हम यहां पर ये एक और चीज देख रहे हैं. ठीक है, मत होने दे. इसका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है और दूसरा बात क्या आ रही है कि ये बल्कीनेस की वजह से, जिसको जो हमारे पास एसिड है लुइस एसिड है, जिसको लोन पेयर चाहिए उसकी अप्रोच क्या हो जाती है, कम हो जाती है. उसे नहीं मिलेगा इतनी आसानी से ड्यू टू रिपल्शन ऑफ मिथाइल एंड NH2 ग्रुप सेम प्लेन में. तो उसे मिलेगा ही नहीं. आपको बहुत अच्छे से मोदी से मिलना है, लेकिन मोदी से मिल ही नहीं पाओगे. उसके लिए क्या है, बहुत सारी सेना, बहुत सारा कमांडो सामने लगे हुए हैं. वैसे ही यहां पर है तो अप्रोच बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. और इस रिपल्शन को हम क्या बोलेंगे, SIP इफेक्ट. तो यहां हमारे लिए आएगा ड्यू टू रिपल या ड्यू टू की बात करेंगे, रिपल्शंस बिटवीन
लिविस एसिड जो आ रहा है एंड एल्काइल ग्रुप एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ऑर्थो ग्रुप ऑफ बेंजीन द अप्रोच ऑफ गेटिंग लोन पेयर डिक्रीजेस एंड इट्स कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ प्रोटोनेशंस SIP ऑफ प्रोटोनेशन SIP लिखिए इसको. तो ये हमारे लिए SIP हो जाएगा, ठीक है. एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. तो आप आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बड़ी थी और SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो हम पहले इस पूरे पॉइंट को और लिखना चाहेंगे. की पॉइंट्स आप लिख लीजिए, दो की पॉइंट आपका इंतजार कर रहे हैं. ड्यू टू SIP इफेक्ट, ड्यू टू SIR इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड ड्यू टू SIP इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. इस जगह पहला की पॉइंट. और दूसरा की पॉइंट जो आपका इंतजार कर रहा है वो ये है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एनिलीन, एनिलीन आर लेस बेसिक एस एनिलीन. तो इसका मतलब इट्स कॉल्ड SIP इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट. यानी ऑर्थो इफेक्ट के दो दो डेफिनेशन है, एक तो हमने बेंजोइक एसिड में पढ़ा था, एक हमारे लिए ये हो गया. तो यहां आप मेरे को बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा, SIR या SIP? SIP. और प्रोटॉन मिलना इसको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. इसको प्रोटॉन मिलना मुश्किल हो जाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम. क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लिखें इसको.